बता दें कि सर्वे के बाद आज पहली जुमे की नमाज थी, लिहाजा प्रशासन भी अलर्ट था, प्रशासन के साथ इंतजामिया कमेटी भी अलर्ट थी और यह सब कुछ आज देखने को मिला। बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो यहां पहुंचे हैं। दो संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक और अर्पिता आर्या, दोनों लगातार बनारस से मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूंगा, सर्वे के बाद ज्ञानव्यापी में यह पहली जुमे की नमाज थी, हर कोई मानकर बैठा था कि यहां पर हो सकता है धार्मिक भावनाएं जो हैं वो उसके मद्देनजर बड़ी संख्या में आ जाएं, लेकिन क्या इतनी ज्यादा उम्मीद थी कि मस्जिद जो है वो पूरी भर जाएगी, यहां से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था जिस तरह इंतजामिया कमेटी कह रही थी कि लोगों से हमने अपील की कि भाई घर पर नमाज करें, मोहल्लों में करें, बाहर करें, क्या कुछ देखा पिछले दो घंटे में आपने? हाँ नहीं, कोई वजू नहीं, प्रशासन ने वजू की व्यवस्था बनाए रखा था। मेरा नाम नूरुज़्ज़मा है। अभिषेक बात पूरी कीजिए। बिल्कुल शुभांकर, अब लोग ज्ञानवापी मस्जिद से निकलना शुरू कर चुके हैं, जो नमाजी हैं वो निकल रहे हैं, और आपको पहले दिखा दूं कि वो तादाद जो निकल करके आ रही है नमाज खत्म होने के बाद, वो अब अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर जो कहा गया कि कम लोग पहुंचे, लेकिन मस्जिद पूरी भरी हुई थी। हम लोगों से पूछते हैं, ये बताइए सारे लोग थे अंदर? आप लोग रुकिए भाई साहब, तो ये फिलहाल बहुत सारे, बहुत कम लोग हैं जो बात करेंगे, मस्जिद कमेटी के लोग अगर मिलते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मस्जिद पूरी तरीके से भरी थी। इस बात का पहले भी इंतजामिया कमेटी ने कहा था कि कम से कम लोग आए, बावजूद इसके चूंकि कल जब रिपोर्ट सबमिट हुई उसके बाद आज पहला दिन था, जुमा था, इसलिए जो लोगों की भीड़ थी वो काफी ज्यादा थी। तो हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों से हम बात कर, लोग यहाँ रोके भी जा रहे हैं, बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग निकल करके आए हैं उनमें से कुछ लोगों से बात की जा सके। शुभांकर, कई लोग हैं, आप लोगों ने नमाज पढ़ ली थी अंदर? अच्छा, क्या नमाज अच्छे से हुई? कोई दिक्कत नहीं, ओवरक्राउडेड था या उतना ही था? नहीं, फुल था, मस्जिद पूरी फुल थी, पूरी फुल थी। जरूरत से ज्यादा लोग तो नहीं थे? नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं, फुल थे, जितना रहते हैं आम लोग होंगे, आम जुमा में जितने लोग थे तकरीबन थे, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम रहे होंगे बस। अच्छा, ये कहा गया था कि कम लोग आए, लेकिन लोग आए, क्या भावनाएं ज्यादा थी? लोग आए, लोग तो आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, फ्राइडे है तो लोग आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन मस्जिद पूरी फुल थी। चलिए जाइए, आप तो बाहर हो गए, अब क्यों परेशान हो रहे? आज परेशान नहीं हो रहे हो तो नहीं, भीड़ हर जुमा में रहती है, तकरीबन हर जुमा में भीड़ रहती है। नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा था, लेकिन अब देखिए लोगों के जज्बात हैं, नमाज पढ़ने लोग आते हैं, फ्राइडे है तो थी, वैसे थी। जो सर्वे वर्वे हुआ है उसके बाद लोग ज्यादा, तो इस तरफ आप शुभांकर देख सकते हैं, लोगों का कहना है जो निकल कर के आ रहे हैं, बिल्कुल मस्जिद आज पूरी तरीके से फुल थी, लोगों की भावनाएं हैं, जज्बात हैं, इसलिए लोगों की तादाद ज्यादा थी। लेकिन एक बात और बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजाम भी पूरा था, उन्हें पूरी तरीके से कल रात से ही इस बात का शक था कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी, इसलिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी और अब तमाम लोग एक-एक करके निकलना शुरू कर ठीक है। हमारे साथ क्योंकि हमारी एक और सहयोगी अर्पिता भी वहां लगातार मौजूद है। अर्पिता, क्योंकि आप भी उस परिसर के प्रांगण के आसपास ही मौजूद हैं, नमाजी बाहर निकल रहे हैं, अगर संभव हो पाए तो लोगों से बातचीत कीजिए, अगर वो बातचीत करने को तैयार हैं। बाकी बताइए कि पिछले डेढ़ घंटे में आपने क्या कुछ देखा अपनी आंखों से, कितनी संख्या अंदर है, कितने बाहर निकल रहे हैं, मौजूदगी कितनी थी, जो कुछ आपने देखा पिछले दो घंटे में दर्शकों को बताइए। ठीक है शुभांकर, देखिए मैं उसी परिसर में तो हूँ, लेकिन मैं टॉप एंगल से आपको जरा तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से जो कहा जा रहा है कि 700 नमाजी हैं, 500 नमाजी अंदर मौजूद हैं, कुछ कह रहे हैं बस 300 हैं, संख्या पूरी भरी नहीं है, लेकिन जरा तादाद देखिए। वो जो आप दरवाजा देख रहे हैं, गेट नंबर 4 वो खुल चुका है, उसका एक पल्ला जहां से लोग जो है यानी नमाजी वहां से निकलते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, भारी तादाद पे आपको लोग दिख रहे होंगे। और ये देखिए किस तरीके से वहां से लोग अब आते हुए, हालांकि बहुत सारे लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, वो बात करने से कार कर रहे थे, लेकिन भारी तैनाती पुलिस बल की भी यहां पर की गई है स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए, अगर कोई भी
ऐसा तत्व यहाँ नजर आता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, ये भी साफ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती, साथ ही साथ कल तक शुभांकर ये बैरिकेड यहाँ पर नहीं लगे थे, लेकिन अभी आज की नमाज की स्थिति को देखते हुए जैसे कि आशंका थी कि आज ज्यादा लोग जुट सकते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बात की, तो पिछले जब याद होगा आपको सर्वे के लिए टीम पहुंच रही थी तब जितने संख्या में नमाजी पहुंचे थे उससे ज्यादा संख्या में 40% ज्यादा संख्या में आज नमाजी यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आए हैं। और इसी बीच आपको बताएं कि ये जो गली है, हिमांशु जरा दिखाई, ये जो गली है इसी गली में आगे चलकर कुछ मस्जिद है, बाकियों को बोला गया कि आप वहां जाइए, वहां नमाज अदा कीजिए। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएं कुछ लोग हैं जो अभी भी देखिए इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर भीड़ आपको दिख रही होगी, वो सीधे घर नहीं जा रहे हैं, हालांकि बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि बहुत भीड़ मत लगाइए, जो लोग नमाज अदा कर चुके हैं वो यहाँ से निकल जाएं। लेकिन आपको अभी दिख रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए, हालांकि अलग अलग गुट देखिए उन्होंने बनाए हैं, झुंड में किनारे किनारे वो लोग खड़े हैं नमाज अदा करके जो लोग लौट रहे हैं। माशा जरा उधर भी तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके का इंतजाम वहां पर किया गया सुरक्षा के लिहाज से। साथ ही साथ आपको बताएं वो जो गेट नंबर 4 है जहां से अभी नमाज के लिए एंट्री मिली थी इन लोगों को, ये गेट यहीं से मंदिर दर्शन करने के लिए वीआईपी गेट था, यानी जो वीआईपी पास लेकर वहां पहुंचते थे उनको इस गेट से एंट्री मिलती थी। लेकिन अभी ये गेट आज हिंदू जो लोग पहुंच रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए उनके लिए ये रास्ता बंद किया गया था नमाज के वक्त को देखते हुए। फिलहाल बैरिकेड है, 2 लेयर की पुलिस बल वहां तैनात नजर आ रही है, वहां लोगों को रुकने और ठहरने के लिए मना किया गया है। लेकिन तादाद आप देखिए कितनी ज्यादा तादाद में लोग आपको अभी भी नमाज अदा करके, धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ेगी क्योंकि ये कहा जा रहा है काफी संख्या में लोग अंदर मौजूद थे। लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी जब और तादाद में लोग, क्योंकि ये बैरिकेड करके समझिए आप शुभांकर, कि उस वक्त जब नमाज अदा करने के लिए नमाजी अंदर पहुंच रहे थे तो ये बैरिकेड लगाकर बहुत सारे लोगों को इसी जगह पर रोक दिया गया था, यहाँ से अंदर बढ़ने नहीं दिया जा रहा था और सीधे कहा जा रहा था कि ये जो गली वाला रास्ता है जहां अंदर भी नमाज मस्जिद है वहां जाके आप नमाज अदा कीजिए, तो इस तरीके के निर्देश भी मिल रहे थे। ये बाना वहां पे भी जो लोग पहुंच जा रहे थे उनमें से भी कई लोगों को वहां से लौटाकर इसी रास्ते पर पड़ने वाली मस्जिद के लिए कहा गया था कि आप जाइए वहां पर नमाज अदा कीजिए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जिनको लगाया गया है जो वहां से लोगों को हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नमाज अदा करके आ रहे हैं हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग जगहों पर देखिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो जो मुस्लिम मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो उनको हटाते हुए उनको यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं ताकि स्थिति जो है वो यहाँ सही बनी रहे।